हेलो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाई हुई है। बहुत टाइम से उसी रेंज के अंदर ट्रेवल कर रही है बैंक निफ्टी, ना तो उस रेंज को तोड़ पा रही है। पहले ये रेंज बनी हुई थी 43,790 से लेकर के ये रेंज बनी हुई थी, जो कि बैंक निफ्टी तोड़ नहीं पा रही थी। लेकिन पिछले 3 दिन पहले इसने एक ब्रेकआउट दिया, जो कि एक नया लो बना। जो उससे पहले की हिस्ट्री अगर चेक करें तो 43,394 का जो लेवल था, उस लेवल पर आकर के मार्केट ने सस्टेन किया। पर जो इसका मेन लेवल था उसे टच नहीं किया था, जो मेन इसका लो था। पर आज मार्केट ने वो लो भी टच कर दिया, जो है 43,329 का। तो ये 43,329 का जो लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट के लिहाज से, क्योंकि इस लेवल पर अगर देखें, मार्केट ने टच किया लेकिन फिर वहां से मार्केट रिकवर कर गया। इसके बारे में मैंने बताया भी था शॉर्ट वीडियो में, और जो मैंने अभी 3 दिन पहले स्विंग ट्रेड वीकली एनालिसिस जो मैंने बताई थी, उस लेवल में भी मैंने बताया था इस लेवल के बारे में और इंट्राडे के बारे में भी। तो सबसे पहले स्विंग के लिए बात कर लेते हैं, फिर आते हैं इंट्राडे के लिए। अगर स्विंग ट्रेड पोजिशनल बनाना है तो इस लेवल के नीचे ये जो 43,329 का लेवल है, जब इसके नीचे मार्केट सस्टेन करेगा और मार्केट कम से कम 43,300 के लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब हम यहाँ पर एक अपनी 100 पॉइंट के लिए कम से कम बना सकते हैं स्विंग ट्रेड, जो कि बनेगा 42,573 का मेन लेवल है सपोर्ट, जो कि मार्केट बना सकता है 42,573। और अगर इसे भी ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 41,982 का। लेकिन इतनी बड़ी अभी मूव आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट में रिकवरी भी अच्छी देखने को मिल रही है। और बात कर लेते हैं इंट्राडे के लिए, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैंने एनालिसिस की थी, चलो उसके बारे में दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर बहुत बार मार्केट ने सपोर्ट बनाया, ये रेजिस्टेंस की तरह ये मार्केट ने काम किया। उसके बाद यहाँ पर बहुत दिनों से मार्केट सपोर्ट बना रहा है, और बीच में एक लेवल 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बन रहा था। तो वो तीनों लेवल मैंने मार्क किए हुए हैं, करीब 2 हफ्ते से इसी के ऊपर ट्रेड चल रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि मार्केट अभी जो स्विंग ट्रेड वाली वीडियो है, अगर आपने वो देखी होगी तो मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके एक एंट्री बनाई है, और ये 30 मिनट के लेवल पर ये पहले रेजिस्टेंस बन रहा था। उसके बाद इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा और मार्केट ने एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया, जो कि बना 44,448 का। उसके बाद अब इस रेजिस्टेंस से मार्केट ने जब गैप डाउन दिया, तो मैंने उसी दिन बता दिया था कि जब ये रेजिस्टेंस, इसके लिए एक डिमांड जोन बनी थी, तो इसका कोई काम रह नहीं किया था। तो मार्केट नीचे आया और उसके बाद फिर यहीं से रिकवरी दे करके मार्केट फिर से वापस जाके खड़ा हो गया अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर। तभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे मूव करेगा, और अगर इसे तोड़ता नहीं या नीचे मूव करेगा, तो 100% ये श्योरिटी है कि मार्केट अपनी डिमांड जोन को टच करने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि ये मेन डिमांड जोन नहीं बन रही है। डिमांड जोन ये बार बार टूट रही है, रेजिस्टेंस भी अगर बन रहा है तो बार बार टूट रहा है, तो ये जोन अब बन नहीं रही है। अब जोन बनेगी कौन सी, डिमांड जोन ही एक जोन बनेगी। लेकिन मार्केट यहाँ पे अगर नीचे से आएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एक बार बनाएगा 1 दिन 2 दिन, और अगर ऊपर से आएगा तो इसे सपोर्ट की तरह यूज करेगा 1 दिन या 2 दिन। वैसे ही देखो, यहाँ पर 2 दिन मार्केट ने यहाँ पे इसे सपोर्ट की तरह यूज किया, और अब पिछले 2-3 दिनों से इसे रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहा है। लेकिन मार्केट आएगा ही जरूर, क्योंकि मार्केट का जो लेवल बन रहा है वो ये बन रहा है पूरा, सप्लाई जोन टू डिमांड जोन। ये बीच में एक हॉल्ट है, समझ लो कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होकर के रुक रहा है, ठहर रहा है, आराम कर रहा है, उसके बाद मूव दे रहा है। लेकिन सप्लाई जोन से चल रहा है मार्केट तो डिमांड जोन तक आ रहा है, और डिमांड जोन से चल रहा है तो सप्लाई जोन तक। अभी ये पिछले हफ्ते से लेवल मेरे अभी तक बने हुए हैं, तो उसी हिसाब से मार्केट ने आकर के अपने डिमांड जोन के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया था कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ पर एक कैंडल भी ग्रीन बनती है छोटी सी, और अगर प्रीवियस कैंडल का लो नहीं टूटता है, तो मार्केट यहां से फिर से चल पड़ेगा ऊपर की दिशा में अपने सप्लाई जोन के लिए। तो अब देखो, यहां पर जो कैंडल बनी थी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, उसका लो और प्रीवियस कैंडल का जो लो था वो लगभग सेम था, और उसके बाद मार्केट गैप अप खुला, फिर से ऊपर गया, और फिर उसके बाद नीचे आया है। अब ये लेवल अगर तोड़ेगा तो बनेगा नीचे का लेवल, मैंने स्विंग ट्रेड के लिए बता दिया है। इंट्राडे के लिए बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर के।
अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो बड़ी ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, जब नीचे से मार्केट ऊपर गया जो लेवल मैंने बताया था उस लेवल के बाद। ये इंट्राडे का लेवल है, ये स्विंग ट्रेड के लिए काम नहीं करेगा, ये लेवल स्विंग ट्रेड के लिए ऊपर का लेवल है ये वाला, ये काम करेगा, वहां तक मार्केट जाएगा ही जाएगा, ठीक है, अगर निगेटिव नहीं होता है तो। अब कल के दिन, कल का दिन डिसाइड करेगा अगर ये लेवल टूट जाएगा तो इंट्राडे के लिए बात करते हैं। मार्केट ने देखो यहीं से रेजिस्टेंस बनाया और फिर मार्केट वहीं से चला नीचे ये लेवल से, चलने के बाद में धीरे धीरे 2-3 दिन में मार्केट अपने इस लेवल को टच करने आ गया, पूरा लो उसने मार दिया आज की डेट में। अब आज की डेट में जब ये लो यहाँ पर चल रहा था तो मैंने ही यहाँ पर एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर इसे तोड़ता है अब मार्केट, तो इसे अगर तोड़ेगा मार्केट तो यहाँ पर अगर निगेटिविटी आई तो ये हमारा सपोर्ट बनेगा, डायरेक्ट मार्केट 42,842 तक गिर सकता है, ये मैंने बताया था 42,842 और 800 के लिए ये मार्केट का सपोर्ट जोन बनेगा, यहाँ तक के लिए हम लोग टारगेट कर सकते हैं। और अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो हम लोग BTST भी लेके चल सकते हैं पुट के लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आएगा ही आएगा फिर। लेकिन मार्केट ने देखो वहीं पर से सपोर्ट बनाया जिस टाइम पे मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी थी, सेम उसी के 15 मिनट के बाद मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट बनाया और उसके बाद थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेट हुआ और देखो फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, कंसोलिडेट हुआ, अब फिर ऊपर चला गया। तो अब ट्रेड कैसे करें, मेन मुद्दे की बात पर आते हैं कि कल के दिन हमें ट्रेड कैसे करना है। देखो अब हर रोज कोई ना कोई एक्सपायरी पड़ ही रही है तो मार्केट मूवमेंट थोड़ा बहुत कर रहा है, उस हिसाब से थोड़ा टफ हो रहा है मार्केट दिन पर दिन, अब ये बात भी है। लेकिन प्राइस अपने सप्लाई जोन से चला है तो पहली चीज कल के दिन मार्केट गैप अप खुलने के चांस काफी ज्यादा है, गैप अप खुल सकता है, काफी हाई चांस है। अगर गैप अप मार्केट खुलता है या गैप डाउन भी खुलता है, पहली चीज तो BTST आज के दिन थी नहीं कोई, क्योंकि मार्केट कंफ्यूज करने वाला है, अभी इस लेवल के पास पहुंचा नहीं है, अगर यहाँ पहुंचा होता तो शायद गैप डाउन खुल सकता था। अब मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि US मार्केट कैसा चलता है और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, खैर BTST तो नहीं बता रहा मैं यहाँ पर। अब मार्केट अगर सिनेरियो क्या बनेगा, मार्केट अगर से यहाँ से गैप अप खुलता है या साइडवेज खुलता है और पॉजिटिविटी आती है तो मार्केट का जो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा। अब यहाँ से मार्केट देखना यह है कि क्या यहाँ पे पुट के लिए कोई पोजीशन क्रिएट होती है, अगर यहाँ से मार्केट फिर से पुट के लिए क्रिएट करेगा कोई अपना पोजीशन तो हम लोगों का जो पुट के पहला लेवल बनेगा वो बनेगा 43,493 का, ये टारगेट बनेगा। लेकिन अगर इसे आसानी से ब्रेक कर जाता है तो 100% श्योर ये 44,500 के लिए मार्केट रेडी है जाने के लिए। अब इस चीज के ऊपर ध्यान बना के रखिएगा, कल के दिन अगर मार्केट इसे तोड़ के ऊपर निकलता है तो 44,500 के लिए फिर से जाएगा और अगर यहीं से निगेटिविटी आती है तो पहले तो एक ट्रेड हम लोग लेंगे शॉर्ट का जो बनेगा 43,450 के लेवल पर, 450, और उसके बाद में अगर मार्केट इस लेवल के नीचे अगर अपने आप को सस्टेन करता है एटलीस्ट 5 से 10 मिनट के लिए, जो कि 43,357 का लेवल है, 5 से 10 मिनट अगर कम से कम 5-5 मिनट की दो कैंडल यहां पर सस्टेन कर जाती हैं जो एक दूसरे का लो तोड़ रही हैं तो हम लोग सीधे यहां पर पुट में हैवीली बैठ जाएंगे। टारगेट रहेगा 42,850 का, 42,850 ये लेवल नोट कर लो, ठीक है। इस तरह से बैंक निफ्टी इंट्राडे हम लोग कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं, वरना बहुत ज्यादा चांस है कि कल के दिन मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ मूव दे और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करे पूरा दिन, यहाँ पे कंसोलिडेशन में निकल जाए, क्योंकि वैसे भी वेडनेसडे के दिन है, प्रीमियम बहुत खाए जाते हैं और मार्केट का जो सिनेरियो है वो भी यही बता रहा है कि पहले ही या तो अगर गैप अप खुल के यहीं पे मार्केट सस्टेन करता है तो यहीं पे कंसोलिडेशन दिखाएगा इसी रेंज के आसपास, और या तो गैप डाउन खुल के थोड़ा सा अगर मूव देता है ऊपर की तरफ तो इस रेंज के अंदर ही मार्केट काफी टाइम बिताएगा, यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है। तो मैंने लेवल बता दिए, मार्केट का मूड बता दिया, अब क्या कर सकते हैं वो ट्रेड करना भी बता दिया, स्विंग ट्रेड भी बता दिया। अब इन लेवल्स को ध्यान रखना अपने चार्ट के ऊपर, यहाँ पे आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, देख लो ये लेवल्स पिछले हफ्ते से लगे हुए हैं और कितने प्रॉपर काम कर रहे हैं ये लेवल्स, और अगर इसी तरह से आप इन लेवल्स को ड्रॉ करना भी चाहते हो खुद से, इनके पीछे का लॉजिक, मैंने क्या सोच करके ये लेवल ड्रॉ किए थे, किस तरह ड्रॉ किए थे और इतने एक्यूरेट कैसे हो रहे हैं ये लेवल, ये सब भी आप जानना चाहते हो तो आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, सप्लाई जोन और डिमांड जोन का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने उसमें समझाया हुआ है किस तरह से ड्रॉ करते हैं,
वो भी मैंने समझाया हुआ है, जाकर के उस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, अपने चार्ट के ऊपर आसानी से आप भी ये लेवल ड्रॉ करना सीख जाओगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।